तो हम लोग निकल चुके हैं आज ग्वालियर में, तो हम लोग आपको ग्वालियर एक्सप्लोर कराएंगे, वो भी हमारी XUV700O में। एक तो गाइस, ये ग्वालियर जो शहर है ना, वो वैसे तो बोला जाता है कि यहाँ पे झांसी की रानी पास में है, और ये माधवराव सिंधिया जी जो थे उनका मतलब गढ़ था ये। और गाइस, मैं यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह दिखाऊंगा मैं आपको अभी, यहाँ पे जो फेमस है बहुत ज़्यादा किला, तो हम लोग अभी वहीं चल रहे हैं, तो मैं आपको और भी प्लेसेस में यहाँ की और भी एक्सप्लोर कराता हूँ, तो बने रहिए हम लोग के साथ। तो गाइस, ये यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस रोड जो एक है वो है जिसे कहते हैं फूल बाग, और फूल बाग ये इसीलिए कहते हैं, यहाँ पे देखिए लेक, वैसे ही लेक नहीं है, पहले ये अच्छी थी, अभी ये मतलब थोड़ा सा नाला टाइप का हो गया है, और इसे फूल बाग गाइस इसलिए कहते हैं। एक तो यहाँ पे इस साइड आ जाती है चौपाटी ये जो है, और यहाँ पे हर जगह गार्डन है, मतलब हर, आपको दिखाता हूँ मैं, और ये जो आप देख पा रहे हो ये है किला, यहाँ का ये यहाँ का किला है, और ये देखिए फूल बाग, हम लोग चौराहे पे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो आप गार्डन्स है, मतलब बहुत सारे गार्डन्स है, और बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। आप गेट ही देखो, एंट्री आप देख सकते हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंट्री बनी हुई है यहाँ पे एक गार्डन के लिए भी, और यहाँ पे लोग इन्जॉय करते हैं, मतलब अपने घर वाले सब लोग मिल के आते हैं, पिकनिक बनाते हैं, और ये चीज़। और ये गाइस यहाँ का किला, जो भी अभी हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं, जिसके वहाँ का हम लोग रास्ता भी दिखाते हैं, और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है हर जगह। और देखिए एक पार्क ख़त्म हुआ, और ये यहाँ पे दूसरा पार्क यहाँ पे चालू हो चुका है ग्वालियर का, और यहाँ पे नेपाली मार्केट जो लगता है वो, ये देखिए दूसरा पार्क वापस चालू हो चुका है यहाँ पे। और ये यहाँ की आन बान शान सबसे पहला मॉल डीडी मॉल, जो कि इस तरफ आ चुका है। तो गाइस हम लोग अभी ऊपर ही जा रहे हैं किले के, तो हम लोग आपको किले के ऊपर से दिखाएंगे, जो इतना प्यारा व्यू जो आता है ना वहाँ से। विक्रम, अपन लोग पहले आए थे तो कैसा लगा था तुम्हें? बहुत अच्छा व्यू था, तो रात में आए थे। हाँ, तब भी रात में मेरे को ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि पूरा लाइट से भरा हुआ था। हाँ, बहुत अच्छा व्यू था रात में। तो गाइस हम लोग अब किले के ऊपर जाते हैं और आप लोग को भी ले चलते हैं, तो चलते हैं। तो गाइस हम लोग का ब्रेकफास्ट आज यहाँ पे, बिकॉज सुबह के टाइम तो सबवे पे रिलाई किया जा सकता है, बिकॉज यार एक तो टेस्ट अच्छा है और हाइजीनिक है थोड़ा सा, और अभी कोरोना के टाइम पे भाई साहब किसी से भी रिस्क नहीं लेने का क्या। हाँ, तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे डीडी मॉल में ब्रेकफास्ट करके हम लोग आपको किले पे ले चलेंगे, तो गाइस चलते हैं फिर। गाइस अब हम लोग किले के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये दीवारें, ओहो ये मतलब स्टार्टिंग है एक तरह से, और बहुत ही ज़्यादा स्लैंट, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब स्कूल जो कि पूरे MP में फेमस है और इंडिया में भी फेमस है, जिसका नाम है सिंधिया स्कूल। 1897 ये मतलब फाउंडेड 1897 में हुआ था, और आप देख सकते हो यहाँ पे रोक लेते हैं ये लोग, और ये लोग रुकने का ही बोल रहे हैं, तो अपन रुक जाए वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये वन वे है, और वन वे होने के कारण दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं जा सकती, तो इन लोगों ने हमें रोक के रखा है ताकि जो भी गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हों वो आ जाएं, देन हम लोग को ये लोग प्रोसीड कराएंगे। तो गाइज आइए, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से किला, और भी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके, वो पूरा वे बहुत अच्छा है, उसका वे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये हम लोगों ने मतलब वे स्टार्ट हो गया इसका, आप देख सकते हो कितनी पतली है, और ये इस तरफ पूरा मतलब खाली, मतलब डेड एंड है एक तरह से, मतलब वो है क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं विक्रम यार, मेरे तो मुँह से ही निकले, हाँ खाई है, मैंने प्यार की कसम खाई है। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो है, और ये इन्होंने बाउंड्री इसलिए लगा रखी है ताकि ये जो भी लोगों का क्रैश व्रैश होता है तो उससे ये लोग बच जाएं। ये देखिए ऊपर गुरुद्वारे हैं, तो ये लोग उसके लिए जा रहे हैं ऊपर, और बहुत प्रिटी गुरुद्वारे हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, हम लोग एंटर हुए हैं यहाँ पर, तो ये देख सकते हो आप। ये हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये
गुरुद्वारा है उसका यहाँ पे लगाया हुआ है उन्होंने नाम। तो हम लोग फाइनली ऊपर पहुँच चुके हैं गाइस। हम लोगों ने पार्किंग में लगा दी है गाड़ी और आप देख सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो मैं आपको एक ऊपर व्यू और दिखाता हूँ। तो बहुत शानदार व्यू आता है यहाँ से। मतलब यार देखो, मैं एक चीज़ और सीक्रेट बताऊँगा यहाँ पे, मैं आपको ले चलता हूँ, पर अभी पहले व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोग को। चलिए, ये हम लोग की पार्किंग है और ये व्यू आप यहाँ से देख सकते हो। यार कितना शानदार व्यू जो आ रहा है यहाँ से, ओहो बहुत ही ज़्यादा शानदार गाइस व्यू है। मतलब देखने में एक अलग ही हुआ, बहुत शानदार व्यू है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह है अंदर भी। मतलब एक बोला जाता है यहाँ पे कि एक ऐसी सुरंग थी जो डायरेक्ट झांसी से कनेक्ट है, वो कितनी सच है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक सुरंग है डायरेक्ट, मतलब वो मतलब पहले के जो लोग होते थे वो लोग बताते थे कि यहाँ पे एक ऐसी सुरंग है जो झांसी डायरेक्ट जाती है, क्योंकि जो भी राजा यहाँ पे रहता था, ये यहाँ की एक खिड़की बना रखी है, जो लोग राजा के ज़माने में मतलब यहाँ से कुछ आक्रमण टाइप का कुछ होता होगा तो वो चीज़ देख सकते हो। पूरा व्यू कितना शानदार व्यू है गाइस, मतलब देखने में एक अलग ही मज़ा है। ये एक नेचुरल ब्यूटी में है और ये बहुत सालों पुराना, मतलब बहुत साल पुराना एक किला है। और बचपन में हम लोग इसके बारे में एक चीज़ और सुना करते थे कि गाइस ये किला बना नहीं है, ये किला कोई जिन यहाँ पे रख गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें बड़े होके पता लगा कि ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है जो कि हमें बचपन में सुनाई जाती थी कि एक ऐसा किला है ग्वालियर में जो कि बनाया नहीं गया है और आप उसे मतलब रातों रात कोई जिन यहाँ पे छोड़ गया ऐसा। तो ये हमारे विक्रम भाई लगे हुए हैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने में, ये देखिए। तो कैसा चल रहा है ब्रेकफास्ट पेड़ों के नीचे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है क्या? ओहो, तो गाइस हम लोग वो सुरंग भी आप लोग को दिखाते हैं और यहाँ का जो एक म्यूज़ियम है वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे जो गुरुद्वारा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आपको दिखाऊंगा। और यहाँ का जो स्कूल है वो किले के ऊपर ही है। स्पेशलिटी ये है कि उस स्कूल में सब कुछ अवेलेबल है और वो 5-star स्कूल जो होते हैं ना, वैसे टाइप का स्कूल है। जैसे डेली कॉलेज सिंधिया स्कूल नाम चलता है यार इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब 1847 से उन लोगों ने यहाँ पे स्कूल बना के रखा है और बहुत ज़्यादा बड़ा स्कूल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्टर्स ने मतलब वहाँ से परस्यू किया है, जैसे कि सलमान खान हो गया और बहुत ज़्यादा एक्टर्स हैं यहाँ पे थे। मतलब ये यहाँ का लाइट इन शो डाउन करके यहाँ पे वो है, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब जब रात हो जाती है यहाँ पे 7 o'clock का एक शो है, तो वहाँ पे सिर्फ लाइट्स और साउंड के थ्रू एक शो होता है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब इस किले के बारे में उन लोगों ने पूरा बताया है उसमें, तो गाइस मज़ा आता है उस शो को देखने में। हम लोग तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतनी देर तो नहीं रुक पाएंगे, अभी तो सुबह हो रही है और वो शाम को होता है शो। ये देखिए गाइस, ये यहाँ का म्यूज़ियम है और आप देख सकते हो कि ये है फोर्ट, मतलब बेसिकली। और ये मतलब ये यहाँ पे इस तरफ इसका वो है, ओ बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो हम लोग को तो लग रहा था नीचे कोई है ही नहीं, बट ऊपर तो यहाँ सब लोग पिकनिक बना रहे हैं और यहाँ हर जगह बढ़िया ओमिक्रॉन दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। छोड़ो मत खाओ, हम लोगों ने तो लगाया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे जो ऊपर होता है ये होता है लाइट इन शो डाउन का, ये जहाँ सेटिंग बनी हुई है ये लाइट इन शो डाउन की सेटिंग है। और ये भी उन गुफाओं में से एक गुफा है जो कि मतलब बेसमेंट में जाती है यहाँ के, और वहाँ से कहाँ निकलती है ये ऊपर वाले ही जाने, क्योंकि ना यहाँ जाने की परमिशन है ना कुछ है।
ये देखिए गाइस। अच्छा ये भी यहाँ की एंट्रेंस है, बट ये वॉकिंग वाली एंट्रेंस है यहाँ पे। और व्यू देखो आप के हर एक चीज, मतलब क्या शानदार है यार भी। बहुत शानदार व्यू है यहाँ का। और ये जो सिटिंग बनी हुई है, यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं शाम को और यहाँ पे लाइट एंड शो डाउन का मजा लेते हैं लोग। तो ये हम लोग आ चुके हैं अंदर। और यहाँ पे टिकट वाला सिस्टम है, यहाँ पे भी हर जगह होना भी चाहिए। ये देखिए गाइस कितना शानदार व्यू है। बढ़िया गार्डन में लोग बैठे हैं, अपना पिकनिक बना रहे हैं अपने घर वालों के साथ। मैंने पता नहीं कितने टाइम बाद क्लियरिटी देखी। ओहो एक उस तरफ का भी व्यू है गाइस। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पीछे का व्यू देखा है, अभी मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। और यहाँ से गाइस अभी हम लोग वापस बाहर आ चुके हैं। हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि विक्रम को थोड़ा सा लग रहा था डर, बट अब हम लोग जाएंगे अंदर ज़रूर। सॉरी यहाँ पे बढ़िया प्यार चल रहा है। तो हम लोग दूसरी जगह से एंटर होने की कोशिश करेंगे। गाइस ये यहाँ का गलियारा होता है, जो भी महल होते हैं वहाँ के, जैसे अपने यहाँ पे पोर्च है, यहाँ का ये पोर्च होता है जो पहले के वो होते थे। चलो आओ। हाँ तो भूल भुलैया ही है एक तरह से। चल तो विक्रम चलना है क्या? नो 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 चलना, आ जा भाई वहां से डीप है वो। डीप ही तो है। विक्रम को इतना डर क्यों लगता है? भाई यहां जाने की बात हो रही है, नॉर्मल है यार ये तो। आप चल के आ जा आ जा आ जा जल्दी आ जा। नहीं 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 भाई नहीं नहीं जल्दी अरे जल्दी 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 विक्रम। नो भाई नहीं। चलो गाइस हम लोग तो जाएंगे। ये यहां से यहां आ रहा है। आजा विक्रम। अरे आजा कुछ नहीं है, ये खुल गया यहाँ पे। अरे खुल गया वो, खुल गया भाई वहां पे खुल गया वो। आजा ये देखो यहीं बैठा हुआ है। चलो ना आजा। अरे आना मैं तो हो गया है ना। आजा। अरे डर क्यों रहा है भाई? भाग क्यों रहा है? चल ना। अरे नहीं नहीं भाई, भाई मेरे को डर लगता है इन चीजों से। हमारे को हमारे भाई को बहुत डर लग रहा है। गाइस व्यू है यार, केला घूमने का भी एक अलग ही मजा है। गाइस आप लोग को एक और ये देखिए आप। आई लव यू खुशी, मेरा बच्चा, माय लाइफ, माय वाइफ, देख रहे हो
मिली नहीं है इन्हें खुशी, बट ये खुशी हम पहले ही मना रहे हैं। गंदी बात है, बहुत अपने हेरिटेज को बनना, वही तो इन्हें खुशी नहीं मिली है, बट इन्होंने तीनों साइड लिखा है भाई। बाप रे बाप, आप देखो बढ़िया, आई कांट लिव। इनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी इन्होंने लिख दी है बेचारों ने। चलो आओ, हाँ हाँ बिल्कुल कूद जाना भाई। चलो गाइस, फिर से हम लोग यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ इनको डर लग रहा है थोड़ा सा, और डरने की कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जो भूल भुलैया चल रही है अंदर। बच्चे खेल रहे हैं, विक्रम डर रहा था। हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब आप लोग को दूसरी जगह एक्सप्लोर कराते हैं। चलिए गाइस, हम लोग ये देखो पोर्ट के पता नहीं कौन से पॉइंट पे आ गए हैं। ओहो, और यहाँ मतलब आप देख सकते हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये फाइटर जेट्स है। ये फाइटर जेट्स सबसे ज़्यादा इसलिए हैं यहाँ पे, बिकॉज ये मिलिट्री बेस है अपना ग्वालियर जो है, वो मिलिट्री बेस है। ओफो गाइस, ये है आगे फ्रंट का व्यू, और आप देख सकते हो सोनिक बूम मारते हुए जा रहे हैं भाई। अच्छा नीचे भी कुछ है बहुत अच्छा सा। ओके ये देखिए गाइस, ओहो एक तो इतना बड़ा किला है कि हम लोग तो थक गए हैं। क्यों विक्रम? बहुत ज़्यादा भाई, मतलब सुबह से लेकर हम लोग को शाम हो गई यहीं घूमते घूमते, बट हम लोग अभी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अभी तक हम लोगों ने आपको गुरुद्वारे भी नहीं दिखाया, ना सिंधिया स्कूल पे ले गए, और एक यहाँ सांस बहू का मंदिर है, म्यूज़ियम है, वहाँ पे भी नहीं ले गए। बट अब हम लोग सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली वहीं जा रहे हैं, तो हम लोग आपको वहीं वही चीज़ दिखाते हैं। बट ये तब भी गंदा होने के बाद भी बहुत अच्छा दिख रहा है, और यहाँ से आप लोग व्यू ले सकते हो कि व्यू बहुत ज़्यादा शानदार है यहाँ का। और गाइस बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत बड़ा किला है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत बड़ा एक हेरिटेज है यहाँ का इंडिया का। तो गाइस डू मस्ट विजिट ग्वालियर फोर्ट। ये गाइस सास बहू का मंदिर है, और ये जो है ये बहू वाला मंदिर है, और ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली ब्लाइंड लोगों के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ के जो बारे में वो ब्लाइंड लोग पढ़ पाएँ आराम से, तो ये उस बारे में है। तो मैं अब आप लोग को ऊपर जाके दिखाता हूँ, एक तो बहुत ज़्यादा थक गए, और ये जगह आप देखोगे थोड़ी सी मेंटेन्ड है बहुत ज़्यादा। और अब आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, बिकॉज ये जगह जो है मेंटेन्ड होती रहती है। और गाइस ये रात में भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, ये जो लाइट्स हैं इसके कारण नीचे से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस ये है यहाँ का व्यू, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस अब हम लोग आप लोग को ले चलते हैं अपने गुरुद्वारे पे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ से भी विजिबल है वो रहा। तो आइए हम लोग अभी वहीं चलते हैं। गाइस यहाँ का बहुत ज़्यादा स्पेशल जिसे बोलते हैं, जो बहुत बड़ा स्कूल है, उसकी बाउंड्री चल रही है अभी ये हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड पे, और बहुत शानदार स्कूल बना हुआ है ये। तो मैं आपके अभी वो भी दिखाता हूँ कि स्कूल कैसा है। इस स्कूल का नाम है सिंधिया स्कूल, और ये देख सकते हैं ग्वालियर, और ये एक्चुअली बॉयज़ स्कूल है जो फोर्ट पे है, बट यहाँ पे इनका जो गर्ल्स स्कूल है वो नीचे है। आप देख सकते हो एंट्रेंस भी कितनी ज़्यादा प्यारी बनी हुई है, और गाइस बहुत ज़्यादा सिक्योर रखते हैं ये लोग अपने कैंपस को हर चीज़ से। और ये जो है इनका ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, ये देखिए पूरा मतलब सिंधिया स्कूल का ही हर चीज़, ये बच्चे जॉगिंग कर रहे हैं शाम के टाइम जो भी हॉस्टलर्स होते हैं। और ये गाइस ये है यहाँ का गुरुद्वारा, जो कि हम लोग दूसरी तरफ से एंटर करेंगे अभी, तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग से लेके सारी चीज़ें ये लोग सिंधिया स्कूल वाले करवाते हैं। और विक्रम को ये जगह कैसी लग रही है विक्रम? बहुत अच्छी लग रही है भाई,
हेरिटेज है ये। हाँ, और ये यहाँ का फुटबॉल कोर्स है स्कूल का, और यहाँ का ये जो टावर है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे ग्वालियर से ये दिखता है टावर, एक्चुअली बहुत बड़ा टावर है ये। और यहाँ पे जब जो भी क्वार्टर्स हैं वो इनके टीचर्स के दिए हुए हैं यहाँ पे सिंधिया स्कूल के, एक्चुअली मैं भी एक साल सिंधिया स्कूल में पढ़ा हूँ इसलिए मुझे इतना आइडिया है। और ये यहाँ का तालाबशाही है, जो भी तालाबशाही होता है पुराने जो बनाते हैं जो लोग, उनका ये तालाबशाही कहते हैं उसे। और अब हम आप लोग को ले चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ, तो हम लोग जल्दी से आपको गुरुद्वारे की तरफ ले चलते हैं, देन उसके बाद भी हम लोग का किला ख़त्म नहीं होगा, बट एक्चुअली फोर्ट बहुत बड़ा है, बट तब भी हम लोग आपको गुरुद्वारे और जो मेन मेन जगह हैं यहाँ की वो तो दिखा ही देते हैं। हम लोग यहाँ के गुरुद्वारे में पहुँच चुके हैं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हर चीज़ यहाँ लगी हुई है, मतलब जो लगा रहता है गुरुद्वारे के बाहर। लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर, और तो ये गाइस यहाँ का गुरुद्वारे है, यहाँ पे हम लोगों ने माथा टेक लिया है। और एक्चुअली ऐसी जगहों पे मुझे बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे वीडियोग्राफी करनी चाहिए, बिकॉज यार ये एक मतलब एक यार वो होती है, एक रिस्पेक्ट होती है हर रिलीजन के लिए ना, तो हर इंसान को भी करना चाहिए कि ऐसी जगहों पे वीडियोग्राफी थोड़ा ना करें, तो इसलिए मैंने भी नहीं किया। लोग का ग्वालियर फोर्ट, जो कि अभी उन लोगों ने हम लोग को सिग्नल दे दिया है कि अभी हम लोग को नहीं जाना है नीचे, बिकॉज कोई गाड़ी वहाँ से आ रही होगी, तो उसके रिगार्डिंग तो हम लोग यहाँ रुकते हैं। और ये था हम लोग का ग्वालियर फोर्ट, तो हम लोग फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे गाइस, चलते हैं।